नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच वाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर बड़ी हम आपको बताने जा रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इनके पहले जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो इनको नोट कर लीजिए, पहले ही आए थे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं ओनली आंसर बोलूंगा आपको, ऑप्शन आप देख रहे हैं, टाइम मिलेगा आपको। Which of the following is most oriented to scientific program? ऑप्शन दिए गए हैं फोरट्रेन, कोबोल, बेसिक, पीएलए। और यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको बता रहे हैं ए, यानी कि फोरट्रेन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल? ऑप्शन है ए बी सी डी। जो राइट आंसर हो मैं आपको वही बताऊंगा ताकि आपका टाइम कम लगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताने जा, राइट आंसर है ए, यानी कि एस आई एम एम। ये पीछे आए हैं भाई, पीछे एग्जाम हुए थे। वैरोनेसिया स्टैंड फॉर, यानी कि वी आर ओ एन आई सी ए की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे पढ़ूंगा मैं तो लंबा लगेगा, लेकिन मैं आंसर पढ़ूंगा, ऑप्शन ये आपको मिलने वाले वहां पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो मैं आपको बता दू, सी है, यानी कि वेरी इजी, ये देख सकते हैं, वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेटवाइड इंडेक्स टू कंप्यूटराइज आर्चिव। और फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, द पोर्शन ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन गोफर साइट्स, आंसर आया, देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन है ए बी सी डी, आप पढ़ लीजिए फटाफट, मैं तो आपको आंसर बताने वाला हूं। और यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा डी, यानी कि गोफर स्पेस, ठीक है, गोफर स्पेस राइट आंसर रहेगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसिटराइज्ड कंप्यूटर भाई सर्किट जो भी है पढ़ लो इसको, वर इंट्रोड्यूस्ड इन द, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी चार ऑप्शन हुई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर इसमें क्या आने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहे हैं, अभी टाइम आउट हो चुका है। आंसर आएगा बी, यानी कि सेकंड जनरेशन ट्रांसिटराइज कंप्यूटर, जहां पे लिखा था वहां पर सेकंड जनरेशन आपको डालना रहेगा। अगला एच टी एम एल स्टैंड फॉर, एच टी एम एल की फुल फॉर्म क्या रहेगी, यहाँ पर आपको बता देते हैं। अब ऑप्शन आप देख सकते हैं, और वन टू थ्री जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, टाइम आउट हो चुका है। बी आंसर आया है यहाँ पर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, राइट आंसर। अगला, विच कंट्रोल इज यूज्ड टू रिट्राइव एचटीएमएल टेक्स्ट? तो यहाँ पर एबीसी, वही वेब ब्राउजर, इंटरनेट ट्रांसफर कंट्रोल, नेविगेट, लिस्ट बॉक्स। राइट आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, राइट आंसर ए, यानी कि वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर आठ पर हम आए हैं, You can convert existing Excel worksheet data and chart to an HTML document by using the। तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर HTML के क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर HTML के यही क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग तरह के हैं, आप पजल करने वाले हैं, लेकिन जो राइट आंसर आएगा बी, यानी कि इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। और अगला है, एन HTML डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ब्राउज्ड एंड एडिटेड, ये क्या कहता है? HTML के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना बच्चे कहते हैं, तो ये यही होते हैं, आप देख लो इनको। और यहाँ पर जो राइट आंसर वो मैं बताने वाला हूँ, ये एडिटिंग की बात की है, ब्राउज में एंड एडिटेड, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ए, यानी कि वेब पेज, वेब पेज का जिक्र यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए ग्राफिक्स टेक्स्ट और HTML फाइल सेंट विद एन ईमेल मैसेज, ये क्या कहता है? ग्राफिक टेक्स्ट और HTML फाइल सेंट विद एन ईमेल मैसेज, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं साथ में जो जाती है? बी, यानी कि अटैचमेंट, ये बोलते हैं ना इसके साथ अटैच कर दो फाइल, अटैच आप देख लीजिएगा, अटैच करो फाइल मेल में इसके साथ, ठीक है, वो अटैचमेंट होती है। और अगला, व्हाट टैग एंड व्हाट टैग आर मैंडेटरी व्हेन क्रिएटिंग एचटीएमएल टू डिस्प्ले एन एप्लेट? तो राइट आंसर आपने बताना है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, जो टाइम आउट हो चुका है, राइट आंसर डी है, इनके कोड हाइट विथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू जनरेट एपीआई स्टाइल एचटीएमएल डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली? ऑप्शन देखिए, डॉस टैग, जावा डॉस, जो भी है जावा जॉब, टाइम आउट बी आंसर आएगा, जावा डो, डी ओ सी, डॉक्यूमेंट होता ना जावा डॉस बोलते थे। अगला है, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML बॉडी हार्टोन वन, ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये जो लिखा हुआ है भाई, इसका जो
HTML में लिखा हुआ है प्रोग्राम, इसका आंसर क्या प्राप्त होता है? मैं बिल्कुल आएगा, मैं आपको बता दूं और आंसर देख लो प्यार से, अब इसका क्या आंसर आने वाला है। अभी जो राइट आंसर बी आया, यानी कि हार्ट्रॉन 2 एंड हार्ट्रॉन 1, यानी कि 2 एक याद कर लो, 21 याद कर लो भले ही, ठीक है, हार्ट्रॉन 2 एंड 1 ये आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोड बिहाइंड, जो कोड बिहाइंड का पर्पज क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर देख लिया आप, टाइम आउट यहाँ पर सी है, यानी कि टू सेपरेट द लेआउट HTML and the code into two different files, ठीक है, सी आंसर आएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आएंगे भाई जो मैं दोहरा रहा हूँ। फॉर्मेट दिया गया भाई यहाँ पे, ये जो 12 25 96 लिखा है, दिन महीना ईयर रिटर्न, इससे क्या प्राप्त होता है, ये ऑप्शन दिए गए यहाँ पे अलग अलग, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आपने लिखना है। और मैं अभी बता देता हूँ आपको राइट आंसर, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बी, यानी 25 दिसंबर 1996 इस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, टू इंसर्ट ए बुक मार्क इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज, भाई एक बुक मार्क इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट हम क्या यूज करते हैं, शीट 5, कंट्रोल शीट F2, कंट्रोल शीट F5, अल्ट प्लस F5, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप करेगा ए रहेगा, शीट प्लस F5 दबाते हैं, ठीक है। अगला है, द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पॉन्स कुकीज न्यूज डेट, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि डिलीट कुकीज न्यूज, ठीक है। अगला है 18वां क्वेश्चन है, द डॉट ऑपरेटर और क्लास मेंबर, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेस ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, डॉट ऑपरेटर को बोलते हैं। अगला, कनेक्ट द फॉलोइंग टू एंटाइटल्स रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे आंसर जो राइट आंसर है वही हम आपको बताने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट आंसर यहाँ पे आएगा डी, यानी कि ए क्लास ऑब्जेक्ट एंड मेंबर ऑफ दैट क्लास, इसका राइट आंसर आने वाला। अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये, आ गया बड़ा आसान क्वेश्चन है, द ऑपरेटर ये दिखाता है लेफ्ट शिफ्ट एंड प्लस राइट शिफ्ट आर, क्या बोलेगा इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर, तो टाइम आउट ए आएगा, पहला रहेगा आंसर इसका क्या आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मेगाबाइट, ये 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बताने वाला है ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए गए हैं और जो राइट आंसर है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि ये देख सकते हैं 10 48 576 bytes, ये इसका राइट आंसर रहेगा, 1 मेगाबाइट इसके इनके मेगाबाइट के बराबर होता है, इनके 10,48,576 bytes के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, किसी क्वेश्चन पे डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करें।